नमस्कार, हमारे चैनल माँ की देसी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम मैदे की पूरी बनाएंगे। इसके लिए हमने मैदा लिया है और ये एक चम्मच शक्कर लिया है। ये 200 ग्राम मैदा है, इसमें हम इतनी थोड़ी सी शक्कर डालेंगे। ये शक्कर डालने से बहुत मुलायम बनेगी और जल्दी खराब नहीं होती है। तो हम सबसे पहले ये घोल लेते हैं। शक्कर घुल गई है, अब इसी मैदे में हम इसको डाल देते हैं। इसमें शक्कर वाला पानी डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसके आटा लगा लेते हैं। इसका आटा हम मुलायम लगाएंगे ताकि हमारी पूरी फूली फूली बने। हमने इसको मसल मसल कर सान लिया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मुलायम हो गया है और इसको हम 15 मिनट के लिए रखेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। और अच्छे से मसल लेते हैं थोड़ा सा। ये आटा मसल गया है, अब हम इधर तेल गरम कर लेते हैं। जब तक ये तेल गरम हो रहा है हम पूरी बेल लेते हैं। इसके लिए हमने सूखा मैदा लिया हुआ है, इसी से हम पूरी बेलेंगे। हम बड़ी बड़ी लोई बनाएंगे। ये पूड़ियां बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं और इनको हम पतला पतला बेल लेंगे। तेल चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। इसी तरह हम पूड़ियां बेल कर रख लेते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम ये पूरी डाल देते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूल रही है। इसको हम ज्यादा लाल नहीं करेंगे,
ये पूरी पक गई है, इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम और भी पूरी बना लेते हैं। देखते हैं ये कितनी फूली हुई है, तो इसको हम पलट देते हैं। सारी पूड़िया हमने बना लिया है, गैस बंद कर देते हैं। सारी पूड़ियाँ बनाकर हमने तैयार कर दिया है। ये पूड़ी खाने में बहुत टेस्टी रहती है, अगर थोड़ा सा शक्कर डाल दो तो ये मुलायम भी रहती है और इसमें मीठापन आता है खाने में, तो टेस्टी लगती है। ये हाँ, यूपी में बहन बेटियों की शादी में कलेवा के रूप में कोई 7 किलो देता है, कोई 11 किलो देता है, उसमें भी दी जाती हैं। आपका जब भी मन करे आप इसी तरह से बनाएं और खाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।